नमस्कार मित्रों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जिस वक्त भगवान शिव ने रावण को तांत्रिक क्रिया सिखाते समय दो ऐसे उपाय बताए थे कि जिन्हें सोमवार के दिन करके आप अपने सभी मनोरथ पूरे कर सकते हैं। मित्रों, सोमवार का दिन भगवान शंकर जी और माँ दुर्गा की पूजा के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन कोई भी पूजा या व्रत या टोटका करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, लेकिन पूर्ण जानकारी न होने के कारण कई लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता और वो निराश हो जाते हैं। मित्रों, मेरा आपसे कहना है कि किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले लें, तभी उसी कार्य को करें। पूर्ण जानकारी के साथ किया गया हर कार्य अभीष्ट फल देने वाला होता है। तो मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको सोमवार के दिन काम आने वाले दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिन्हें करके आप अपने सभी परेशानियों का अंत कर सकते हैं। मित्रों, ये दोनों उपाय सर्वप्रथम भगवान शिव ने लंकापति रावण को तांत्रिक क्रिया सिखाते समय बताए थे, जिन्हें करके लंकापति रावण ने अपने जीवन में काफ़ी फायदा उठाया था। जब रावण के जीवन में कोई मुसीबत आने वाली होती थी, उससे पहले ही रावण को उस परेशानी के बारे में पता चल जाता था और इन उपायों को करके वो बड़ी से बड़ी बलाओं को टाल देता था। तो मित्रों, मैं उन दो उपायों को आरंभ करता हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मित्रों, सोमवार का पहला उपाय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का है। इस दिन एक लोटा जल लेकर उसमें एक बेल का पत्ता और एक धतूरे का फल डाल लेना है। किसी शिव मंदिर में जाकर शिव जी को अर्पित करना है। जल चढ़ाते समय आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का 7 बार जाप करना है। मित्रों, इस उपाय को लगातार 11 सोमवार तक करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आपके घर की सभी प्रकार की दरिद्रता दूर हो जाती है और भगवान शिव आपसे हमेशा खुश रहते हैं और सदा मन चाहा फल देते रहते हैं। मित्रों, सोमवार का दूसरा उपाय भगवान शिव ने रावण को इसलिए बताया था कि वह किसी बड़े संकट के समय माँ दुर्गा से मदद मांग सकता है और उन्हें प्रसन्न कर सकता है। मित्रों, ये उपाय आपको न किसी रामायण में मिलेंगे, न किसी गीता में और न ही किसी शास्त्र में देखने को मिलेंगे। ये उपाय मुझे रावण पंचांग शास्त्र से प्राप्त हुए हैं। मैंने सोचा क्यों ना इन उपायों को जन कल्याण के लिए बता दिया जाए, जिससे हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। तो मित्रों, दूसरा उपाय है कि सोमवार के दिन एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा मीठा डाला और एक लौंका जोड़ा और उसमें 11 पत्ता तुलसी के जरूर डालें और जल को किसी माँ के मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। मित्रों, भगवान शिव ने बताया कि जब तक तुलसी बनी वृंदा के पत्ते उस जल में नहीं पड़ेंगे, तब तक माँ दुर्गा अपनी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। तो मित्रों, भगवान शिव जी के बताए हुए ये उपाय बहुत ही कारगर हैं। इन दोनों उपायों को करके अपने जीवन में खुशियां भरें और हमेशा खुश रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।